अभियान है और इस अभियान को हम करने वाले हैं। एक कार्यक्रम युवा मोर्चे ने अभी लिया है, हमने आदरणीय मुख्यमंत्री जी की जो एक यात्रा जो चालू हुई है, नर्मदा सेवा यात्रा, उस सेवा यात्रा के माध्यम से आदरणीय मुख्यमंत्री जी जो सेवा के भाव को लेकर, नर्मदा जी की सेवा के भाव को लेकर निकले हैं, उसमें युवा मोर्चे ने अपनी एक भूमिका तय की है युवाओं के बीच में, कि हम जो ऐसे नौजवान साथी हैं, जो नौजवान हैं जो अलग अलग गाँव में, गाँव का जो नौजवान है जो रहता है गाँव में, ऐसे नौजवानों को जहाँ से भी नर्मदा जी निकल रही है, उन जिलों को, जो जिले नर्मदा जी के पास से होकर गुजरते हैं, उन जिलों में से युवा मोर्चा एक हरी चुनरी यात्रा निकालेगा। हरी चुनरी इसलिए क्योंकि सीएम साहब का जो संकल्प है कि हमको वृक्ष दोनों तरफ लगाने हैं, ऐसे वृक्षों को लेकर कम से कम एक गांव से 11-11 वृक्ष, चाहे वो पीपल के हो सकते हैं, फलदार वृक्ष हो सकते हैं, ऐसे वृक्ष लेकर युवा मोर्चा निकलेगा। और जहाँ से भी यात्रा निकल रही है उस युवा मोर्चे की टीम के साथ और सामान्य युवाओं को लेकर हम एक जन जागरण करते हुए, और जिससे उस गांव की भी सहभागिता उस यात्रा में हो, भले नर्मदा जी वहां से ना निकल रहे हैं लेकिन उस जिले का कोई गांव है, उन गांवों का भी सहभाग हमारे उस नर्मदा के संरक्षण और संवर्धन के लिए बने, इस भाव को लेकर युवा मोर्चा एक हरी चुनरी यात्रा, जो वृक्षों को 11-11 वृक्ष गाँव से लेकर युवा निकले, इस अभियान को युवा मोर्चा लेने वाला है। नर्मदा सेवा यात्रा में नशा मुक्ति का जो अभी अभियान है, जो नर्मदा जी के तटस्थ जो क्षेत्र हैं, तटवर्ती क्षेत्र हैं, निकटवर्ती क्षेत्र हैं, उन क्षेत्रों में इस अभियान को अभी युवा मोर्चा शुरू कर रहा है। मध्य प्रदेश में बाकी क्या अभियान हम लेंगे ये आगामी समय में हम तय करें। इस तरह